लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 58 सीटों पर 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहे हैं, वहीं उनमें बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड 4 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही उड़ीसा की 42 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा। 11 करोड़ 13 लाख वोटर्स में से 5 करोड़ 84 लाख पुरुष, 5 करोड़ 29 लाख महिलाएं और 5,120 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित शहरी केंद्रों में मतदाताओं से शनिवार को बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। चुनाव आयोग ने 1,14,000 केंद्रों पर लगभग 11,04,000 मतदान अधिकारियों को तैनात किया है। भारत के कई बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों और राज्यों को पर्याप्त उपाय करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव की शुरुआती 5 चरणों में 225 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 सीटों के लिए मतदान पूरे हो गए। छठे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी रण में है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारे हों। आप जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपने पूर्वी दिल्ली सीट से कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और दक्षिण दिल्ली से सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में फैले आदिवासी बेल्ट जंगल महल क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। इस क्षेत्र में तमलुक, कांधी, घटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा और विष्णुपुर लोकसभा सीटों पर चुनावी रण है। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों में से भाजपा ने 5 और टीएमसी ने 3 सीटें जीती थी। बता दें कि कांधी सीट से बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। वहीं तमलुक से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय टीएमसी के देवांशु भट्टाचार्य के खिलाफ भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए खेला होबे गीत लिखा था। छठे चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होना है उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल हैं। सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी 9वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के रामभूल निषाद और बहुजन समाज पार्टी के उदय राम वर्मा से है। वहीं आजमगढ़ में मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ है। जौनपुर में भाजपा के कृष्णा शंकर सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा से है। मौजूदा सांसद बसपा के श्याम सिंह यादव से भी होगा। झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्रों में 40,09,000 महिलाओं सहित लगभग 82,16,000 मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। रांची से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी और कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की टक्कर भाजपा के मौजूदा सांसद सेठ से है। वहीं धनबाद से भाजपा के बादमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस के बेरसो विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी अनुपमा सिंह के बीच है। सीधा मुकाबला दोनों के बीच हो रहा है।